हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। इंडियन पॉलिटी के सातवें लेक्चर में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में फंडामेंटल राइट को हैं वो कवर करने वाले हैं। दो फंडामेंटल राइट हमने कवर कर लिए, एक तो राइट टू इक्वलिटी यानी कि समानता का अधिकार, और इसी के साथ ही एक में राइट टू फ्रीडम है यानी कि स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसको हमने कवर किया। और इसी के साथ लास्ट सेशन में हम जो कुछ केस स्टडीज़ हैं वो भी हमने देखी थी कि कौन कौन सा केस है, उसमें क्या क्या मतलब हुआ था और कहाँ कहाँ उसमें फैक्ट इंपॉर्टेंट है वो हो जाते हैं। आज हम बेसिकली राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन यानी कि अगर हम बात करें कि शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि अगर कोई भी आदमी किसी को भी एक्सप्लोइट करता है तो उसके अगेंस्ट क्या क्या राइट हैं वो प्राप्त हैं जिस भी इंसान का एक्सप्लोइटेशन है वो हो रहा है उसे। इसी के बाद हम राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन यानी कि धर्म की स्वतंत्रता का जो अधिकार है इसको हम कवर करने वाले हैं, और बाद में हम एक आधा केस भी देखेंगे। और इसी के साथ हम कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। और अगर टाइम रहा, देखो रीट वगैरह हैं जो आर्टिकल 32 है उसको तो हम अलग से डिस्कस करेंगे, कल हमारी डिस्कशन वो हो नहीं पाई थी, तो चलिए स्टार्ट है वो करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे आर्टिकल 23 क्या है। सब आर्टिकल 23 है वो है शोषण के विरुद्ध है वो अधिकार है। देखो शोषण क्या है, देखो अंग्रेजों के टाइम पे आप बात कर सकते हो या फिर पुराने टाइम पे अंग्रेज लोग हैं वो एक्चुअली जो लेबर क्लास होती थी या फिर हम बोल सकते हैं मजदूर क्लास थी उसका क्या है शोषण करते थे, मतलब उनसे फोर्सफुली काम करवाते थे, बच्चों से भी काम करवाते थे, दिन में 24 घंटे में से 20-20 घंटे काम करवाना, उनको प्रताड़ित करते थे, मतलब कहीं ना कहीं टॉर्चर किया जाता था। वो क्या है मतलब कि उस इंसान का शोषण हो रहा था। तो इसी ऐसे शोषण को रोकने के लिए ही हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट के तहत शोषण के विरुद्ध अधिकार वो प्रोवाइड करवाया गया है कि भाई कोई भी आदमी किसी का भी शोषण है वो नहीं कर सकता इस तरीके से, या उसको एक्सप्लोइट है वो नहीं कर सकता। तो आर्टिकल 23 की अगर हम बात करें, आर्टिकल 23 ये कहता है कि आप फोर्सफुली लेबर यानी कि आप बलात्श्रम, कि आप किसी भी आदमी से ज़बरदस्ती काम नहीं करवा सकते। किसी भी आदमी का जैसे कि मान लो कि काम करने का मन नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप उसको मारपीट के कि नहीं तेरे को तो काम करना ही होगा कर कर, वो गलत है यानी कि वो फोर्स लेबर के अंदर आ गया है, या फिर हम हिंदी में बोलें तो बलात्श्रम है वो अलाउ नहीं है। देखो पुराने ज़माने में राजा महाराजा ऐसे करते थे कि जैसे एक राज्य को उन्होंने जीत लिया तो वहाँ के जो जनता होती थी या फिर वहाँ के जो सैनिक वगैरह जो भी लोग होते थे उनसे फोर्सफुली काम करवाया जाता था, उनको कोई पगार नहीं दी जाती थी। तो अगर पगार नहीं दी जा रही हो, पैसे वगैरह कुछ भी नहीं दी जा रही हो, तो वो कहलाती है बेगार। तो ये आपको ध्यान रखना है, बेगार मतलब बिना कुछ पैसे दिए काम करवाना। जैसे कि प्राचीन ग्रंथों में कहीं जगह उल्लेख होता है कि जो लोग होते थे उन काश्तकार लोग होते थे उनको राजा के लिए महीने में 1 दिन या फिर 2 दिन फ्री में काम करना होता था, मतलब कि फ्री में जो काम करने वाला सिस्टम उसको कहते हैं बेगार, यानी कि आपने पैसे वैसे पगार वगार कुछ नहीं दिए, फ्री में फोकट में काम करवा रहे हो, वो भी अलाउ नहीं है। फोर्सफुली भी आप किसी से काम नहीं करवा सकते और किसी को टॉर्चर भी नहीं कर सकते, एक्सप्लोइट है वो भी नहीं कर सकते। तो ये हमारे संविधान में बैन है वो क्या गया है, अगर कोई भी आदमी ऐसा करता है तो उसको सजा हो सकती है, उसको लिए उचित दंड का प्रावधान किया गया है। अब बात आती है आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 ये कहता है कोई भी खान हो गई हो यानी कोई भी माइन हो गई हो या फिर कोई भी फैक्ट्री हो या फिर कोई और भी तरह की ऐसी मतलब कॉरपोरेट सेक्टर इंस्टीट्यूट कुछ भी हो, आप ये समझ लो कि जहाँ पे मतलब बच्चे काम करने के लिए अलाउ नहीं है, काफ़ी खतरनाक हजार्डस काम हो रहा है, वहाँ पे आप 14 साल से कम बच्चे से कोई भी काम नहीं करवा सकते। यानी कि जो खतरनाक काम होते हैं ना किसी भी, जैसे कि कोई ऐसी फैक्ट्री जिसमें केमिकल बन रहा हो या फिर कोई सीमेंट फैक्ट्री हो, कि वो काफ़ी उसमें आपको पता है कि PM 2.5 PM 10 जो मैटर्स हैं वो बाहर हवा में एमिट होते हैं तो वो बच्चों की हेल्थ के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। इसी के साथ ही कोई और भी ऐसा केमिकल फैक्ट्री के अलावा आप बात करो कि वो बारूद फैक्ट्री हो, मतलब जो काफ़ी खतरनाक हो, उन फैक्ट्रियों में आप बच्चों से काम नहीं करवा सकते। कौन से बच्चे, जिनकी एज 14 साल नहीं है, मतलब 14 साल से कम बच्चों से आप वहाँ पे काम है वो बिल्कुल भी नहीं करवा सकते, आप उनको वहाँ पर एंट्री देना भी एक तरीके से बैन है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, कोई अगर ऐसा करता है तो उसके लिए कानून में दंड का प्रावधान किया गया है। तो ये थे आर्टिकल 23 और 24। अब हम चलते हैं आगे आर्टिकल 25, 26, 27, 28 के बारे में। आर्टिकल 25, 26, 27 और 28 क्या हैं? ये हैं देखो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। क्या है धर्म की स्वतंत्रता अधिकार वो भी हम देखेंगे, और सुप्रीम कोर्ट के इस पे क्या वर्डिक्ट है कुछ केस वगैरह को लेके उनको हम सब अच्छे से कवर करने वाले हैं यहाँ पे। आर्टिकल 25 ये कह रहा है कि आप की मर्जी है, आप जिस भी धर्म को मानो, मतलब जैसे आप आज हिंदू हो, कल आप मुस्लिम हो, परसों आप क्रिश्चियन, वो आपकी मर्जी है, मतलब आप जिस धर्म को भी अडॉप्ट करना चाह रहे हो वो आपके ऊपर डिपेंड है, आपकी मर्जी है। आप किसी भी धर्म का प्रचार कर सकते हो, प्रचार प्रसार हो गया,
या फिर हम बात करें उसके व्यवहार के बारे में लोगों को बता सकते हो। मतलब आपको इस चीज़ के लिए फ्रीडम दी गई है, आप कोई भी धर्म अडॉप्ट कर सकते हो और इसी के साथ उसके प्रचार प्रसार को आप कर सकते हो कंटिन्यू, आपको कोई नहीं रोक टोक सकता। ठीक है, अब चलते हैं आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 ये कह रहे हैं कि कोई भी दान हुआ, आपने डोनेशन दिया हो, या फिर कोई भी धर्म में जैसे कार्य हो, मतलब कोई धार्मिक कार्य हो, जैसे मंदिर हो गई, मस्जिद वगैरह बना रही हो, इसके लिए आपको जैसे कि ज़मीन चाहिए और आप मतलब किसी से ज़मीन ले रहे हो तो आपको फ्रीडम है। मतलब दान वगैरह लेने के लिए आपको कोई रोक नहीं सकता, आपको धर्म वगैरह के लिए कोई प्रॉपर्टी से आप कैश में जैसे डोनेशन चंदा वगैरह लेते हैं वो ले रहे हो, या फिर कोई और भी ज़मीन वगैरह ले रहे हो, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च किसी के लिए भी, तो वो आपको रोक नहीं सकता कि नहीं हम आपको मंदिर के लिए ज़मीन नहीं देंगे मस्जिद के लिए। वो डिपेंड करता है कि कौन पर्सन कहाँ दे रहा है। अब बात करते हैं आर्टिकल 27। आर्टिकल 27 ये कहता है, यानी कि अनुच्छेद 27 या आर्टिकल 27 बोल सकते हो, कि दान यानी कि चैरिटी वगैरह होगी या फिर आपने धार्मिक कार्यों के लिए चंदा वगैरह कुछ भी ऐसा कलेक्ट किया हो उसके ऊपर आपको टैक्स देने की मतलब कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब टैक्स में आपको छूट दी गई है। सीधी सी बात यह है, धार्मिक कार्यों के लिए जो भी दान वगैरह आता है या फिर जो भी पैसा मिल रहा है आपको चंदे गौर मेथड के थ्रू, उस पैसे पर आपको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि टैक्स में छूट है वो दी गई है, ये आपको फिर ध्यान में रखना है। इसके बाद में आता है आर्टिकल 28। आर्टिकल 28 ये कहता है कि कोई भी इंस्टीट्यूट जो कि सरकारी मतलब फंडेड है, यानी कि गवर्नमेंट द्वारा फंडेड है, और कोई भी ऐसा नहीं कर सकता वो कि वह किसी भी धर्म की पर्टिकुलर शिक्षा दे। सीधा सा एग्जाम्पल समझते हैं, ये मान लो कि कोई सरकारी स्कूल है गवर्नमेंट की। अब ऐसा नहीं है कि देखो सरकारी स्कूल है इसका मतलब गवर्नमेंट इसमें फंडिंग दे रही है, यानी कि गवर्नमेंट इसमें पैसा दे रही है, ऑब्वियसली पैसा इन्वेस्ट कर रही है, तो अब ऐसा नहीं हो सकता कि भाई सरकारी स्कूल में आप किसी पर्टिकुलर धर्म की शिक्षा दो, ये आपको ध्यान में रखना है। मतलब स्कूल है वो न्यूट्रल रहेगी, वो किसी भी धर्म का प्रचार नहीं कर सकती, किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार या फिर किसी भी धर्म के बारे में ऐसी बातें नहीं कह सकती, मतलब भड़काऊ वगैरह कुछ भी काम नहीं कर सकती, उसे धर्म के मामले में न्यूट्रल रहना है। उसके लिए सारे धर्म इक्वल हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ पे सभी धर्मों के बच्चे पढ़ने के लिए अलाउ किए गए हैं, क्योंकि गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट तो हम सब की है, तो उसमें कोई धर्म का माजरा होना ही नहीं चाहिए। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है कि सरकारी सहायता से चल रही जो भी संस्था है वो धर्म आधारित शिक्षा है वो ग्रहण करने के लिए मना करेंगे, भाई कि नहीं हम धर्म जैसे रिलेटेड कोई चीज़ें नहीं देने वाले हैं। अगर देखो बात ऐसी है कि बच्चा है वो जो भी स्कूल में पढ़ रहा है, कोई भी और संस्था मान लो, अगर बच्चे की एज 18 साल से कम है तो आप उसको धार्मिक शिक्षा दे रहे हो, तो इससे पहले आपको माता पिता से कंसल्ट करना जरूरी है, क्योंकि देखो बच्चा 18 साल से छोटे से नाबालिग है तो उसे पता ही नहीं है इन चीज़ों के बारे में, तो उसके लिए आप पहले पेरेंट्स से अनुमति लो, उसके बाद ही आप उसको धार्मिक शिक्षा वगैरह है वो दी जा सकती है कहीं भी, चाहे जैसे मदरसे वगैरह हो या फिर और भी कोई जैसे इंस्टीट्यूट वगैरह हो वहाँ पर, ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। तो ये थे आर्टिकल 25, 26, 27 और 28। अब हम देख लें यहाँ पे, अब हम एक केस देखने वाले हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आपको इससे सारे माजरा समझ में यहाँ पे आ जाएगा। केस का नाम क्या है वो देखते हैं, नया पेज ले लेते हैं। बस देखो आप वैसे ध्यान रखना है स्टडी के तौर पे, केस है उसका नाम है स्टेनिस लॉस वर्सेस एमपी स्टेट, यानी कि मध्य प्रदेश स्टेट। ये केस था वैसे 1978 का, बस एक बार आप देख लेना केस है क्या, मैं आपको बता देता हूँ। देखो इस केस का सीन ये था, बैकग्राउंड के साथ बताऊँ कि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के बारे में ये कहा था कि भाई आप किसी भी धर्म है ना उसका प्रचार प्रसार कर रहे हो, अच्छी बात है, बट ऐसा नहीं है कि आप कोई भोले भाले आदमी हो, जैसे कि मान लो कि कोई आदमी नहीं है वो मेंटली डिस्टर्ब है या पागल है कुछ भी मान लो आप, मतलब कि मेंटल डिस्टर्ब है वो अपने खुद के डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, ऐसे लोगों को आप बहला फुसला के या फिर कोई ऐसा गरीब आदमी है उसको आप बहला फुसला रहे हो कि आप ये धर्म अडोप्ट कर लो, हम आपको पैसे देंगे, हम आपको गाड़ी देंगे, हम आपको यहाँ पे घर देंगे, इस तरीके का लालच आप नहीं दे सकते। आपको प्रचार प्रसार करना है बेशक करिए, कोई नहीं रोक सकता आपको, बट आप इस तरीके के लालच देकर लोगों का धर्म परिवर्तन है वो नहीं करवा सकते। अगर आदमी खुद सोच सकता है, मतलब 18 साल से बड़ा है कोई भी पर्सन से, मेल फीमेल जो भी हो, ट्रांसजेंडर वगैरह, वो उसके खुद के सोचने की डिसीजन कैपेसिटी अगर डेवलप हो चुकी है तो वो उसकी मर्जी है कि वो कौन से धर्म में जाना चाहे, तब आप उसे लालच नहीं दे सकते कि नहीं हाँ मैं आपको 2 लाख रुपए दे रहा हूँ आप क्रिश्चियन धर्म में अडोप्ट कर लो, मैं आपको 5 लाख दे रहा हूँ आप मुस्लिम कर लो, मैं आपको इतने दे रहा हूँ आप बौद्ध कर लो, कुछ भी मान लो, मतलब कि आप धर्म को इस पैसे वगैरह से लेके लोगों को लालच दे के इस तरीके से धर्म परिवर्तन है वो नहीं करवा सकते। फोर्सफुली धर्म परिवर्तन बैन है, अगर कोई ऐसा करता है तो उसको दंड का भागीदार वो बनाया जाता है।
तो ये आपको ध्यान में रखना है कि भाई प्रचार प्रसार का मतलब ये नहीं कि आप लोगों का धर्म परिवर्तन ही करा दो। प्रचार प्रसार का मतलब ये कि आप अपने धर्म के जो भी अच्छाई है वो बताइए, और प्रचार प्रसार का ये भी मतलब नहीं है कि आप दूसरे धर्मों की बुराई करो कि देखो ये धर्म गंदा है, हमारा धर्म इससे अच्छा है, ऐसा नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ अपने धर्म की अच्छाइयाँ बता सकते हो, कंपेयर कर सकते हो कि देखो हमारे धर्म में ये चीज़ें हैं। बुराई करना किसी भी धर्म की अलाउ नहीं है। आप किसी भी धर्म को नीचा नहीं दिखा सकते हो, किसी भी धर्म के बारे में आप उल्टी सीधी बातें कुछ भी नहीं बोल सकते हो। आपको अपने धर्म का प्रचार करना है, बेशक आप करिए। लालच देकर किसी को बहला फुसला कर धर्म परिवर्तन कराना बैन है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अगर 18 साल से कम का बच्चा है तो देखो वो तो ऑब्वियसली पेरेंट्स के गाइडेंस के बाद ही, उनकी अनुमति के बाद ही उसको शिक्षा वगैरह वो सब दी जा सकती है। आप उसको भ्रमित नहीं कर सकते, क्योंकि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार ही मतलब ये है कि भाई कोई भी आदमी है उसकी खुद की मर्जी है कि वो कौन से धर्म को अडॉप्ट करे। हो सकता है वो किसी भी धर्म को नहीं माने, हो सकता है कि वो सारे धर्मों में इक्वल बिलीव करता हो, वो उसी पे डिपेंड करता है। इसमें आप कोई भी अंगुली कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब चलते हैं आर्टिकल आगे 29 और 30 की तरफ। 29 और 30 क्या है? 29 और 30 हैं कि जो अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक मतलब जो माइनॉरिटीज हैं, उनको कुछ कल्चर प्लस कुछ एजुकेशनल राइट हैं वो दिए गए हैं। माइनॉरिटी में देखो माइनॉरिटी क्या है पहले तो वो देखेंगे, और इसके बाद में हम कल्चरल राइट क्या हैं वो हम देखने वाले हैं। देखो माइनॉरिटी का या अल्पसंख्यक का मतलब ये है कि जैसे कोई भी एरिया, ये एरिया मान लो, एग्जाम्पल बता रहा हूँ सिर्फ आपको, यहाँ पे दो कम्युनिटी हैं ये मान के चलो आप। अगर कोई कम्युनिटी 50% से ज़्यादा है इस वाले एरिया में, ये मान लो कि दो कम्युनिटी हैं ए और बी, जो इस राज्य में रह रही हैं, यहाँ पे पूरा राज्य इसमें लोग रह रहे हैं, ए और बी दो तरह की कम्युनिटी यहाँ पे हैं। अगर ए कम्युनिटी यहाँ पे, ए कम्युनिटी के जो लोग हैं वो 50% से ज़्यादा हैं, ये मान लो 51% या 60% लोग हैं वहाँ पे ए कम्युनिटी के हैं, इसका मतलब बी कम्युनिटी है वो इस स्टेट में माइनॉरिटी में, मतलब वो अल्पसंख्यक है यहाँ पे। ये कॉन्सेप्ट है, 50% के बेसिस पे इसको काउंट है वो किया जाता है। तो अब हम देखते हैं आर्टिकल 29 से। आर्टिकल 29 ये कह रहा है कि भारत जो राज्य क्षेत्र है इसमें रहने वाले किसी भी धर्म या समुदाय के जो लोग हैं ना, वो अपनी भाषा को संभाल के रख सकते हैं, सहेज के, मतलब उसको आगे प्रमोट भी कर सकते हैं, या फिर उनकी जो लिपि है या फिर उनकी जो संस्कृति है, इन सबको प्रिजर्व करने का, इन सबको मतलब एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि आगे कंटिन्यू फ्लो में रखना है कि भाई ये ख़त्म ना हो जाए, ये हर आदमी का राइट है। कोई आदमी की ऐसी लैंग्वेज, जैसे मान लो कि जो जारवा कम्युनिटी है, आपको पता है कि जारवा कम्युनिटी कहाँ पे है, यह है अंडमान निकोबार में, तो इस कम्युनिटी के पास राइट है, इवन इस कम्युनिटी के पास ही नहीं, सभी कम्युनिटीज़ के पास ही राइट है कि भाई वो अपनी लैंग्वेज है, अपना जो कल्चर है, इसको सहेज के संभाल के रखें। तो ये आपको ध्यान रखना है, 29 का फर्स्ट पार्ट है। सॉरी, अगर हम बात करें, खाली पेपर थे, 29 का जो सेकेंड पार्ट है ना, वो ये कह रहा है कि ऐसे शिक्षण संस्थान यानी कि ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जहाँ पे अल्पसंख्यक या माइनॉरिटी जो लोग हैं उनके द्वारा संचालित है। जैसे कि मान लो कि कोई भी ये एक स्कूल है, स्कूल का एग्जाम्पल लेते हैं, और ये कोई माइनॉरिटी पर्सन माइनॉरिटी संस्था, ये मान लो कि माइनॉरिटी कम्युनिटी की कोई संस्था है, ये मान लो जैसे कि ए पर्सन, सॉरी ये स्कूल होगी ए ये, और इसको कोई भी पर्सन है जो कि माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करता है वो इसको आगे चला रहा है और इसको राज्य फंडिंग दे रहा है। ध्यान रखना माइनॉरिटी कम्युनिटी का इंस्टीट्यूट है और प्लस में इसको राज्य है यानी स्टेट है वो फंडिंग दे रहा है, बिल्कुल ठीक है। अब ये जो इंस्टीट्यूट है ना, ये ऐसे नहीं कह सकता कि भाई मैं दूसरे जो समुदाय के लोग हैं उनको इस स्कूल में एडमिशन नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि स्टेट का पैसा है। इसका मतलब अगर स्टेट पैसा दे रहा है इसका मतलब सभी के लिए है वो, किसी एक पर्टिकुलर के लिए नहीं हो सकता। तो ये ध्यान रखना है, अगर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट हो किसी का भी और उसमें राज्य फंडिंग दे रहा हो, तो वो इंस्टीट्यूट बाहर के लोगों को मना नहीं कर सकता, बाहर के बच्चों को, कि दूसरी कम्युनिटी के बच्चों को, कि नहीं भाई मैं आपको इस स्कूल में एडमिशन नहीं दूंगा। इसमें देखो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस भी दिए हैं, वो हम खैर आगे देखने वाले हैं। फिर आता है आर्टिकल 30। 30 में भी जो पहला पार्ट है वो ये कह रहा है कि कोई भी अल्पसंख्यक है वो अपनी पसंद का कोई भी इंस्टीट्यूट स्थापित कर सकता है। कोई भी मान लो कि अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटी कम्युनिटी का पर्सन है, वो अपने अकॉर्डिंग जो भी उसे अच्छा लगा किसी भी टाइप का इंस्टीट्यूट है वो स्थापित कर सकता है और उसको संचालित कर सकता है, मतलब उसको मैनेजमेंट, उसका गवर्नेंस, सारा काम वो संभाल सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उसे कोई रोक टोक हो। इसके बाद में आर्टिकल 30 का सेकेंड पार्ट ये कह रहा है कि सरकार अगर इन इंस्टीट्यूट में ग्रांट दे रही हो तो उसमें कोई भेदभाव नहीं करेगी कि भाई ये हिंदू का इंस्टीट्यूट है तो मैं इसमें तो ग्रांट दे रही हूँ, मुस्लिम वालों को ग्रांट नहीं दूंगी। मतलब अगर गवर्नमेंट किसी भी इस तरह के माइनॉरिटी कम्युनिटी के इंस्टीट्यूट को ग्रांट दे रही हो तो उसमें भेदभाव नहीं कर सकती कि मैं इस इंस्टीट्यूट को तो दे दूंगी, इसको नहीं दूंगी, सभी को देना पड़ेगा या फिर सभी को नहीं।
आप किसी एक के लिए भेदभाव यहाँ पे कर ही नहीं सकते हो, तो ये थोड़ा फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अब देखो आगे दो तीन केस थे, खैर आपको केस के सिर्फ नाम नाम बता देता हूँ और बाद में जो सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट हैं वो यहाँ पे हम देख लेते हैं। एक तो केस है जैसे कि सेंट स्टीफन वर्सेज यूनियन गवर्नमेंट, ये था 1992 का। एक था वैसे टी एम ई पाई वर्सेज कर्नाटका स्टेट का, ये था 2002 के समथिंग का केस है। और एक केस और था वो था पाई पाई ईमानदार वर्सेज महाराष्ट्र, ये था 2005 के। ये बेसिकली तीन केस हैं, इनके आधार पे सुप्रीम कोर्ट ने देखो कुछ वर्डिक्ट दी, मतलब कुछ बातें क्लियर की हैं। कौन कौन सी है वो हम देखते हैं खाली पेपर के। हाँ, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई साहब जो आर्टिकल 29 और 30 है ना, इसको लेके काफ़ी बार कन्फ्यूजन हो जाता है, काफ़ी सारे इश्यूज हैं। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि देखो हमारे देश में जो माइनॉरिटी है ना, पहली बात तो ये डिफाइन होनी चाहिए। तो देखो सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग माइनॉरिटी में सिर्फ दो ही तरह की, मतलब दो ही तरह की माइनॉरिटी इंडिया में है। एक तो है लैंग्वेज के बेसिस पे माइनॉरिटी, कि भाषा के आधार पे हमारे देश में माइनॉरिटी कम्युनिटी को डिफाइन है वो किया गया है। और दूसरा बेस है वो है धार्मिक, यानी कि धर्म के आधार पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इस तरीके के जो धर्म है इसके आधार पे माइनॉरिटी का सिस्टम टेग है वो दिया गया है। तो आपको ध्यान रखना है हमारे देश में लैंग्वेज और धर्म के आधार पे ही माइनॉरिटी को डिफाइन है वो किया गया है, ठीक है। इसके बाद में बात ऐसी है, कोई भी माइनॉरिटी कम्युनिटी का इंस्टीट्यूट हो, जैसे कि मान लो कि ये ए स्कूल खोली है माइनॉरिटी कम्युनिटी ने और इसमें गवर्नमेंट कोई भी फंडिंग कुछ भी नहीं दी है, सारी जो फंडिंग है इनकी खुद की है, तो अब यहाँ पे गवर्नमेंट ये नहीं कह सकती इनको कि भाई साहब ये इंस्टीट्यूट सबके लिए होना चाहिए, क्योंकि ये इन एक तरीके से प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो गए इनका खुद का, और इस पर सुप्रीम सॉरी जो मतलब गवर्नमेंट है वो कोई भी डायरेक्शन नहीं दे सकती इनको ऐसी कि आप बाकी धर्मों के बच्चों को भी एडमिशन दो वगैरह है और कम्युनिटी को दो, वो इनकी मर्जी है, दें तो दें ना तो ना दें, इनके ऊपर सब डिपेंड है वो यहाँ पे करता है। बट लेकिन और लेकिन अगर ये इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट से ग्रांट या पैसे ले रहा है तो उस कंडीशन में ये बाहर के बच्चों का या फिर अदर कम्युनिटी के बच्चों को मना नहीं कर सकता कि भाई मैं आपको एडमिशन नहीं दे सकता हूँ, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसी के साथ अगर हम बात करें कि जैसे कि यहाँ पे और भी जैसे कि टीचर वगैरह की भर्ती वगैरह करनी हो तो उसके लिए अपने खुद के रूल रेगुलेशन ऑब्वियसली बना सकते हैं, इसमें ऐसा कोई रोक टोक इनको नहीं की गई है। एक सेकेंड, हाँ इसमें एक चीज़ ये की गई है कि जैसे भी कोई भी अल्पसंख्यक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है और वो अगर राज्य से या स्टेट से मतलब सरकार से ग्रांट ले रहा है ना, तो वो वहाँ के अपने बच्चों को प्रायोरिटी दे सकता है कि भाई हम हमारे बच्चों का एडमिशन लेंगे, जैसे कि 50% सीटें वो ये बोल दें कि हम हमारे बच्चों के लिए रखेंगे, बाकी 50% सीटें हैं वो और कम्युनिटी के लिए हैं, ऐसा वो कर सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि अपने समुदाय के लोगों को प्रायोरिटी दे सकता है नो डाउट, बट ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ अपने समुदाय के बच्चे होंगे, ओनली नहीं है, मतलब कि अगर टीचरों की भी यहाँ पे वैकेंसीज़ हैं तो ऐसा नहीं कि सारे के सारे टीचर ही वो अपनी कम्युनिटी के हो, नहीं नहीं वो उसमें कुछ लिमिट लगा सकता है कि नहीं भाई जैसे कि 50 सीटें हैं तो उसमें से 25 सीटें तो वो अपनी कम्युनिटी के लेंगे, बाकी अदर कम्युनिटी के लिए भी यहाँ पे ओपन की गई हैं। क्यों? क्योंकि देखो ये जो इंस्टीट्यूट है ये स्टेट से फंडिंग है वो ले रहा है और स्टेट तो सबके लिए काम करेगा, सेकुलर है, स्टेट कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता कि मैं इस कम्युनिटी के लिए फंडिंग दूँ इसके लिए नहीं दूँ। इसके बाद में बात ऐसी, जैसे माइनॉरिटी को मैंने आपको डिफाइन कर दिया था कि कोई भी एरिया है और वहाँ की जनसंख्या के अकॉर्डिंग अगर 50% से कम कोई कम्युनिटी के लोग हैं तो वो लोग वहाँ पे माइनॉरिटी में काउंट हैं वो किए जाएंगे। और स्टेट के जो सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट में ये भी कहा गया है कि जो भी ये इस तरह के इंस्टीट्यूट होंगे ना माइनॉरिटी कम्युनिटी के माइनॉरिटी समुदाय के, इन इंस्टीट्यूट में जो सीटें हैं ना वो 50% तक सीटें वो रिजर्व रख सकते हैं सिर्फ अपने बच्चों के लिए अपनी कम्युनिटी के लिए। जैसे कि ए स्कूल है और इस स्कूल में वो 50% जो सीटें हैं वो अपनी कम्युनिटी के लिए रिजर्व करके रख सकते हैं और अपने रूल रेगुलेशन वो खुद बना सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके बाद में बात आती है शिक्षकों की भर्ती को लेके, अगर उन्हें जैसे कि टीचर्स वगैरह की यहाँ पे भर्ती वगैरह करनी हो मतलब अपॉइंटमेंट वगैरह का काम हो तो जो रूल रेगुलेशन है वो अपने अकॉर्डिंग से मैंने आपको बताया वो बना सकते हैं। बट उनको जो जैसे कि UGC वगैरह है, ये मान लो कि ये कोई कॉलेज है और UGC की कुछ गाइडलाइंस हैं, UGC के कुछ टर्म्स एंड कंडीशन हैं, उनको तो उन्हें फुलफिल करना होगा नो डाउट। जैसे कि UGC की कोई ऐसी परमिशन हो कि भाई 30 साल से कम उम्र का टीचर वो यहाँ पर नहीं बन सकता, एग्जाम्पल बता रहा हूँ सिर्फ, कि UGC ने कोई से टर्म्स कंडीशन डिफाइन कर रखी हो तो वो तो इनको फॉलो करनी ही पड़ेगी क्योंकि वो तो एजुकेशन की क्वालिटी के लिए इंपॉर्टेंट है वो हो जाती है ना, तो वो चीज़ें इनको ध्यान में रखनी होगी। यानी कि UGC के कोई भी जो गाइडलाइंस हैं मापदंड पैमाने हैं वो तो इनको फॉलो ही करने पड़ेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। बस ये कि अपने समुदाय के लोगों को प्रायोरिटी दे सकते हैं, जैसे कि वैकेंसी हुई मान लो कि एक ही सीट है, एग्जाम्पल लो टीचर की एक ही सीट इनको चाहिए और इनके पास सेम क्वालिफिकेशन के दो लोग आ रखे हैं
जो एक तो इनकी कम्युनिटी से हैं और एक है मान लो कि अदर कम्युनिटी से, तो उस टाइम पे प्रायोरिटी दे सकते हैं कि भैया इन अपनी कम्युनिटी के जो टीचर को ये अपॉइंट है वो कर सकें, ये एक प्रावधान यहाँ पे किया गया है। बाकी कोई और भी तरह का भेदभाव ये यहाँ पे नहीं कर सकते। और अगर ये सारा ही कोई फंडिंग वगैरह नहीं ले रही है ये इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट से, तो फिर ये फ्रीडम मतलब फ्री है, अपने अकॉर्डिंग कोई भी डिसीजन ले सकता है, सारी की सारी सीटें भी रिजर्व रख सकता है, इवन ऐसी बात नहीं है, टीचर्स भी अपने अकॉर्डिंग बना सकता है। बट जो UGC या फिर जैसी जो गवर्निंग बॉडी होती है उसकी तो गाइडलाइंस इनको फॉलो करनी ही पड़ेंगी। तो ये थे बेसिक जो पॉइंट थे हमने यहाँ पे केस के बारे में, वो यहाँ पे कवर है वो किए हैं। अब देखो आर्टिकल 31 है जो कि आपको बताइए है संपत्ति का अधिकार था, राइट टू प्रॉपर्टी, इसको तो बाद में ख़त्म है, वो कैंसिल है, वो कर ही दिया गया था, तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। कब किया गया था? 44वां जो संविधान संशोधन था 1978 में, उसमें इसको हटा दिया गया था। बट इसमें 31A, B, C वो हो रहे हैं, तो देखो उनको हम कल के लेक्चर में, और कल के लेक्चर में रीट को दोनों को कवर है वो कर लेंगे। मतलब कल हम आर्टिकल 31 और 32 है इनको हम कवर कर लेंगे, 32 में रीट वगैरह हैं उनको कवर कर देंगे, और आर्टिकल 31 में भी जो दो तीन सोसाइटी के लिए पॉइंट्स हैं उनको कवर करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट वो हो जाते हैं कि वो फंडामेंटल राइट की थोड़ी कॉन्ट्रावर्सी भी क्रिएट है वो करते हैं। तो फिलहाल के लेक्चर में इतना ही है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।